26 जून को होना है और इस चुनाव को लेकर के कई तरह की सियासी अटकलबाजी भी लगाई जा रही है। एनडीए की सहयोगी दलों की नजर स्पीकर पोस्ट पर है, पर इस बीच जेडीयू की तरफ से बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि बीजेपी किसी को भी नॉमिनेट करे, जेडीयू उस उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नई सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए देश की सियासत में नया रिकॉर्ड भी बनाया। नई सरकार के मुखिया पीएम सहित 72 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। अब 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर पद के लिए 26 जून को चुनाव होना है। बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों की नजर स्पीकर के नए उम्मीदवार पर टिकी है। सियासी कयासों के बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि बीजेपी किसी को भी नॉमिनेट करे, बिना शर्त जेडीयू उसे समर्थन देगी। हमने एनडीए में रहकर के चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घटक है उसका। वो जिसको चाहेंगे, अपना भी चाहेंगे, सहयोगी भी चाहेंगे, उनका मत ही फाइनल होगा। यद्यपि हम जनता दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार का अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, ये हम कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहते हैं और भाजपा को तो जानते ही। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि स्पीकर पद पर कांग्रेस नेताओं का बयान कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कांग्रेस की मांगों को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। सुन लीजिए बयान। हमने खड़गे जी का बयान नहीं देखा। उन्होंने जनता दल यू और टीडीपी दोनों से आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा छूने के लिए आपके दलों में विघटन करा सकती है, लिहाजा स्पीकर आप अपना रखिए, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। 20 से ज्यादा पार्टियों वाले एनडीए में 241 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। अब स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार को लेकर सभी की नजर बीजेपी के फैसले पर टिकी है। इस बीच कांग्रेस की ओर से जेडीयू और टीडीपी को प्रभावित करने की बीजेपी की कोशिश वाले बयान पर भी जेडीयू ने खरी खरी सुना दी है। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार पर टिक गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्पीकर पद पर बिना शर्त समर्थन केसी त्यागी के बयान पर अब सियासत गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस ने केसी त्यागी पर पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा है कि अलायंस पार्टनर को अपने में विलीन करने का बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, तो कांग्रेस ने कहा है कि जेडीयू को यह आशंका है कि कहीं अरुणाचल प्रदेश की तरह जेडीयू सांसदों को बीजेपी का सांसद न बना दिया जाए। तो बीजेपी और जेडीयू ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपने अनुसार चलाने के लिए वो अलायंस पार्टनर को ही अपने में विलीन करती रही है या उनका राजनीतिक इस्तेमाल उनको अपने अनुसार करती रही है, उस संबंध में सभी को सोचने की आवश्यकता है। क्या किसी त्यागी जी को आदरणीय खड़गे साहब का फोन आया था? दरअसल यह है कि केसी त्यागी जी, जब से जेडीयू का बेहतर मंत्रालय नहीं मिला है, रेल के बदले खेल कर दिया है और लेमन चूस धरा दिया गया है, जेडीयू को छोटी छोटी विभागें दे दिया है, तब से जेडीयू स्वयं आशंका में है कि आने वाले दिनों में कहीं अरुणाचल प्रदेश की तरह बिहार के जेडीयू सांसदों को भाजपा का सांसद न बना दिया जाए। कांग्रेस इस बात को अब मान ले कि इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार चुकी है, दूसरों के विषय में सोचने से बेहतर है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरान इस बात पे सोचें कि देश की जनता बार बार उन्हें क्यों नकार रही है। स्पीकर किसे बनना है नहीं बनना है, ये एनडीए और एनडीए के नेतृत्व का निर्णय होना है, इसमें हमें किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक हैं और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री केसी त्यागी जी ने भी स्पष्ट रूप से खड़गे जी का बयान का खंडन किया है। अरे स्पीकर पद पर कौन रहेगा नहीं रहेगा, इसका तय तो एनडीए के शीर्ष के नेता लोग मिलकर तय करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर ही यही रहा है, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की नीति के सहारे आज भी वो चलते हैं। जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया, उनको वो काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष को क्या करना है वो सबको पता है,
चाहे जीतन राम मांझी जी हो, नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, तमाम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं।